तो बड़ी खबर सामने आ रही है। 5G के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, इसका अब थोड़ा सा हिंट दिया गया है वोडाफोन द्वारा। 4G प्लान्स भी महंगे होंगे। वोडाफोन VI ने इसका खुलासा किया है। 5G नेटवर्क का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। एयरटेल इसी महीने यानी अगस्त में ही 5G सर्विस की शुरुआत करने वाला है। वहीं जियो ने भी आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जियो 5G की शुरुआत का ऐलान किया है। अगर बता दें तो गुरुवार को कंपनी ने टॉप एग्जीक्यूटिव ने 5G प्लान्स और प्राइस को लेकर जानकारी दी VI के। उन्होंने बताया कि इसके लिए यूजर्स को 4G के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। 5G सर्विसेज 4G के मुकाबले प्रीमियम प्राइस पर ज्यादा डेटा बंडल्स के साथ आएगी। वोडाफोन आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रविंद्र टक्कर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च की है, जिसकी वजह से 5G प्रीमियम प्राइस पर आएगी। इस साल के अंत तक ओवरऑल ट्रैफिक की कीमत भी बढ़ सकती है। रविंद्र टक्कर ने बताया, हकीकत यह है कि स्पेक्ट्रम पर काफी पैसे खर्च हुए हैं। हमारा मानना है कि 5G सर्विसेज महंगा होगा। 5G के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 4G प्लान्स भी अब 5G के आते ही महंगे हो जाएंगे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।